आप देख रहे हैं मैस्टो इन्वेस्टर और मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो होने वाला है आपके लिए, वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है आपके लिए, और उसके साथ साथ बहुत ऐसी बातें जानेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपके सारे फाइनेंशियल जो टर्म है समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। नहीं अगर पता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के डिटेल्स को। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक स्पेशल फंड हो गया है, बिकॉज ऑफ कि PGIM का बहुत सारा ऐसा फंड है जो कि अच्छे रिटर्न दिए हैं और टॉप 5 में अपने आप को बनाए रखे हैं। साथ ही क्वांट का भी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा अभी वर्क कर रहा है, रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, ये PGIM इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड है और इसका लॉन्च डेट की बात करें तो 2 दिसंबर 2013 को हुआ था। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करता है। अगर रिटर्न देखें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो 18.55% का रिटर्न आपको दिया है, जो कि बेहद शानदार है। और साथ ही अगर 100 मीटर की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मिड कैप का फंड है, तो डेफिनेटली ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और फंड का कैटेगरी मिड कैप है, एक्सपेंस रेशियो 0.44% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से बिलो है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये कम चार्जेस आपसे डिडक्ट करता है, आपसे लेता है। फंड साइज 7,557.96 करोड़ है। साथ ही अगर टाइप देखें तो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब होता है आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप अगर चाहें तो यहाँ रिडीम भी जब मन तब कर सकते हैं। रिस्क ग्रेड इसे बिलो एवरेज दिया गया है, यानी कि अपने कैटेगरी से ये बिलो है, यानी कि ड्रॉडाउन जो है वो इसमें कम देखा गया है जब मार्केट क्रैश होता है। रिटर्न ग्रेड हाई है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड ये सही है बेसिक डेटा के अकॉर्डिंग। फर्दर आप जानते हैं तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अगर लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 आपको स्टार्टिंग में मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही एडिशनल बताएं तो 1,000 उसके बाद आप अपने लमसम अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP 1,000 रुपीज़ का आप कर सकते हैं इसमें। मिनिमम विदड्रॉ जो है 1,000 है, यानी कि 1,000 अमाउंट अगर आपके पास है, इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जब भी चाहें रिडीम कर सकते हैं। कुछ हाईलाइट्स जान जाते हैं तो यहाँ देखेंगे आपकी डायरेक्ट प्लान जो है, अगर 3 फरवरी का देखें तो इसका NAV नेट एसेट वैल्यू यानी पर यूनिट का प्राइस है 47.69 पैसे। तो इसके रिटर्न जो है वो लास्ट वन ईयर में देखेंगे 0.63%, 3 ईयर्स का रिटर्न 40.22%, 5 ईयर्स का रिटर्न 20.19% एंड सिंस लॉन्च की बात करें तो 19.71% का रिटर्न है। फ्रेंड्स, रिटर्न को डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते हैं, यानी SIP रिटर्न हो गया, ट्रेलिंग रिटर्न हो गया, XIRR रिटर्न हो गया। तो यहाँ हम SIP रिटर्न को कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ कि आपके कमेंट्स जो थे वो ये थे कि आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कि PGIM का हमने SIP रिटर्न को सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें 1.09% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी लास्ट 1 ईयर का देखें तो 25 नंबर पे आता है, यानी कि 32 फंड है टोटल मिड कैप में, उसमें 25 नंबर है। तो बहुत ही दयनीय हालत है लास्ट 1 ईयर में। अब क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको समझना ज़रूरी होता है कि कौन सा फंड का जो रिटर्न है कम हो सकता है फ्यूचर में। 3 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 29.70% का है, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है। टोटल 27 फंड थे मिड कैप के, जिसमें कि ये 2 नंबर पे आता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है 3 सालों में। अगर 5 ईयर्स का देखें तो यहाँ पर आपको 21 टोटल फंड है मिड कैप में, और 5 ईयर्स में इसने रैंकिंग फर्स्ट पोजिशन पर किया है, 35.25% का रिटर्न दिया है। अब बात करेंगे सेक्टर एलोकेशन की। किसी भी फंड का सेक्टर वाइज कैसे कंपेयर है, कर सकते हैं कि रिटर्न कहां से मिल रहा है। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 18% का एक्सपोजर रखा है, कैपिटल गुड्स में 13.88% का, सर्विसेज में 9.88% का, कंज्यूमर डिक्शनरी में
8.13% का, वहीं मटेरियल्स में 8.05% का, अदर्स में 42.04% का। यहाँ पर मैं चौंकाने वाली बात एक कहूँगा कि इंफ्रा सेक्टर में यहाँ पर या फिर इंजीनियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो गति योजना जो है जिसमें कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वहाँ पर मेरे ख्याल से गति योजना के अंतर्गत यहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए था, एक्सपोजर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। मार्केट कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो टॉप जाइंट कंपनीज जो हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, तो इन सब कंपनीज में 3.91 यानी कि 4% का एक्सपोजर है। लार्ज कंपनीज में 15.46% का एक्सपोजर है। मिड कैप में 73.76% का। जैसा कि आपको पता है मिड कैप का फंड है तो मिड कैप में एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कुछ 7% के अराउंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। नंबर्स ऑफ होल्डिंग्स देखेंगे तो इस फंड में टोटल 51 स्टॉक्स हैं, तो 51 अगर देखेंगे पिछला 50-51 अराउंड मान सकते हैं आप कि 45 से 52-53 तक स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में होते हैं। अगर टॉप 5 कंपनीज का होल्डिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19% का है और टॉप 10 कंपनीज का होल्डिंग देखेंगे तो अराउंड 35% का होल्डिंग्स हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ 12 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। टॉप 3 सेक्टर अगर देखें तो वो उसमें 41.76% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 सेक्टर में देखें तो 57.94% का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनेंशियल सेक्टर आप देखेंगे अगर तो लास्ट 3 जो क्वार्टर हैं यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों में फिनेंशियल को ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया है सेक्टर को, और कैपिटल गुड्स को भी दिया गया है। तो लास्ट 5 ईयर्स में आपको पता है बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया, चाहे SBI की बात करें या फिर HDFC कुछ डाउन रहा, SBI बहुत अच्छा रिटर्न दिया। बाकी स्मॉल कैप यानी कि NBFC कंपनीज ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसका परिणाम ये निकला कि यहाँ भी इसको रिटर्न मिला। देख सकते हैं कुछ फंड्स हैं जैसे PGIM इंडिया मिड कैप, उसके साथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, क्वांट मिड कैप और निपोन इंडिया ग्रोथ फंड। तो ये सारे मिड कैप के साथ इसका अगर रिटर्न देखें, SIP रिटर्न मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में अगर देखें तो सबसे विनर जो रहा क्वांट मिड कैप का रहा। अब क्यों रहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर 3 ईयर्स का देखें तो यहाँ पर विनर क्वांट मिड कैप ही रहा। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो भी क्वांट मिड कैप ही रहा। अब क्यों रहा ये आपको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहें। रिस्क रेशियोज देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसका 24.68% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से अबव है। यानी कि ये फंड रिक्सी है, इसमें आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीटा अगर देखें तो ठीक है 0.94, एक से कम बीटा हो तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ ठीक है। शार्प रेशियो देखेंगे तो शार्प रेशियो, इसने रिक्स लिया है इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, तो शार्प रेशियो भी इसका अच्छा है बाकी एवरेज फंड से। तो इसका मतलब कि इसने जो रिक्स लिया वो सही लिया और सही किया, और यहाँ रिटर्न भी उसको मिला है। अगर टेनर रेशियो देखें तो वो भी सही है, कैटेगरी से अच्छा है, बहुत ही डिफरेंसेस हैं अराउंड 10% का, तो यहाँ पर आपको रिटर्न इसलिए देखने को मिला। अल्फा की बात करेंगे तो बाकी एवरेज मिड कैप से देखें तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आपको अल्फा देखा। अल्फा मतलब कि आपको जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा रिटर्न इसने 9.20% का दिया है। अगर वही मीन रिटर्न देखें तो मीन रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न होता है 3 ईयर्स का, तो यहाँ 21.84% बाकी म्यूचुअल फंड्स के एवरेज हैं, लेकिन यहाँ इसका 31.24% है। तो कैटेगरी एवरेज से इसने अच्छा रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो देखिए क्वांट मिड कैप आने के बाद ये 1 नंबर का टैग 3 ईयर्स में अपने PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड से ले लिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली इसका एक्सपोजर अब दिखाऊंगा कि एलोकेशन कैसा है, जिससे कि आपको समझ पाएँ कि एक्चुअली करता क्या है, कैसे अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन कर रहे हैं कि इस समय रिटर्न दे रहा है गिरते हुए मार्केट में भी। एक बात आपको फोकस करना चाहिए, सेक्टर एलोकेशन। जैसा कि आपने देखा होगा PGIM इंडिया मिड कैप में जो सेक्टर एलोकेशन था फाइनेंशियल में उसका था, तो फाइनेंशियल ने रिटर्न दिया तो उसको भी मिला, तो NBFC ने अच्छा रिटर्न किया। इसका जो एक्सपोजर है क्वांट मिड कैप का वो 28.41% का है, जो कि उसके
यानी कि PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा है, यानी 10% ज़्यादा है। साथ ही बात करें तो ऑटोमोबाइल जो है वहाँ पर बहुत ही नाम मात्र था, यहाँ पर बहुत अच्छा 14% का एक्सपोजर है। सर्विसेज में 11.84% का, और मेटल एंड माइनिंग जिस पर कि गवर्नमेंट का फोकस है वो भी यहाँ 7% आपको एक्सपोजर मिलेगा। यानी कि इंफ्रा के रिगार्डिंग जो इंफ्रा में यूज़ होने वाले मटेरियल भी यहाँ आपको दिखने को मिलेंगे, जिससे कि इसका रिटर्न PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी से अच्छा है। तो आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कमेंट्स कीजिए, अगर डाउट है तो कमेंट्स कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने ग्रुप में, ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से अपने म्यूचुअल फंड को चेक करवाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।